मीठी मीठी सर्दी का मौसम हो तो आलू पालक खाने का मन किसका नहीं करता। आज मैं आपके लिए पौष्टिक और हेल्दी रेसिपी आलू पालक की लेकर आया हूँ। एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय पाड़े, कुकिंग चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। तो फिर देरी किस बात की, चलो करते हैं शुरू। 3 से 4 मीडियम साइज के आलू मैंने पील्स आउट करके चॉप कर लिया है। साथ में पालक को आप देख सकते हैं, बिल्कुल रफली मैंने यहाँ पर चॉप किया हुआ है पालक। यहाँ पर प्रिपरेशन मैंने पूरी कर ली है, प्याज लहसुन अदरक को फाइन चॉप किया है, साथ में हरा धनिया मैंने बहुत सारा लिया है, इसको भी फाइन चॉप किया है। इसी तरह से आपने भी पूरी सामग्री को बिल्कुल फाइन चॉप करना है। 2 से 3 टेबलस्पून आपने मस्टर्ड ऑयल के लेने हैं। मस्टर्ड ऑयल की जगह आप और कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। स्मोक आने तक ऑयल को हीट करें, साथ में बेसिक खड़े मसाले जो आपके किचन में होते हैं उनका प्रयोग करें, साथ में 1-2 रेड चिल्ली डालें। रेड चिल्ली को खड़े मसालों के साथ भुनें, साथ में आपने जीरा मेथी और काली मिर्च का प्रयोग करना है, बहुत बेहतर फ्लेवर आएगा आपकी आलू पालक की रेसिपी में। स्टर करें, खड़े मसाले जब हल्के भून जाए, भीनी भीनी खुशबू आने लगे, तो चॉप किए हुए प्याज को आप उढ़ेल दें। प्याज को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया है। प्याज को आपने स्टर करना है, ऑयल में अच्छी तरह से कुक करना है आपने प्याज को, साथ में जिंजर और गार्लिक जो हमने फाइन चॉप किया है उनको डालना है, फिर स्टर करना है। प्याज के साथ इनको भी आपने अच्छी तरह से भूनना है दोस्तों। तो स्टर करते रहें, अपने हाथ को बेहतर तरीके से चलाते रहें। 1 से 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। प्याज हल्का नरम पड़ गया हो तो फिर यहाँ पर आपने पोटैटो का प्रयोग करना है। आलू को आपने अच्छी तरह से ऑयल में कुक करना है, हल्का सेलो फ्राई इसको हमने करना है, थोड़ा सा गोल्डन कलर आलू का आ जाए तब तक आपने कुक करना है प्याज के साथ। प्याज हमारा पूरी तरह से कुक नहीं हुआ है अभी, तो इस ये भी आलू के साथ ही हमने प्याज को कुक करना है। दोनों को एक साथ कुक करें और स्टर करें, अच्छी तरह से स्टर करना है। आलू को बिल्कुल गोल्डन कलर तक आपने फ्राई करना है इस ऑयल में। थोड़ा सा हरा धनिया डालें फ्लेवर के लिए। अगर आप ऊपर से हरा धनिया डालते हैं तो आलू के टेक्सचर में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है और बहुत बेहतर स्वाद भी आपकी रेसिपी में आता है। स्टर करें हरे धनिए के साथ आलू को, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे आलू को। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे आलू बिल्कुल कच्चे हैं, तो थोड़ा स्टर इनको करना है और थोड़ी देर और इनको कुक करना है जब तक ये थोड़ा सुनहरे कलर के नहीं होते। यहाँ पर हम पाउडर मसालों का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी का 1 टेबलस्पून डालें, साथ में धनिया पाउडर का 1 टेबलस्पून आपने डालना है। अमचूर का प्रयोग भी यहाँ पर हम करेंगे, 1 टेबलस्पून अमचूर की डालें, साथ में गर्म मसाला जो होता है वो डालें और कश्मीरी लाल मिर्च का जो पाउडर होता है कलर फ्लेवर के लिए, इसका प्रयोग भी आपने जरूर करना है। साथ में स्टर करते जाना है, पाउडर मसालों को कुक करना है अब आलू के साथ। सॉल्ट की 1 टेबलस्पून डालें और फिर स्टर करें अच्छी तरह से, मला दें नमक को अच्छी तरह से आलू में, ताकि पूरे आलू में नमक अंदर तक रच जाए और खाती बार बेहतर स्वाद आए। आलू का फीका स्वाद आएगा अगर नमक को आप अच्छी तरह से स्टर नहीं करेंगे, तो इसलिए आप स्टर करें बेहतर तरीके से। कसूरी मेथी का प्रयोग तो आपने जरूर करना है आलू में। आलू में कसूरी मेथी अगर आप डाल देते हैं तो आलू का पूरा टेक्सचर चेंज हो जाता है, साथ में ही बहुत बेहतर फ्लेवर आता है। लीड से कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए अब कसूरी मेथी और आलू को एक साथ कुक करें और 1 से 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम टमाटो का प्रयोग अब करेंगे। टमाटो मैंने एक ही चॉप किया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। टमाटो को लीड से कवर करके कुक करें, साथ में यहाँ पर अब हम पालक का प्रयोग कर देंगे दोस्तों। पालक को मैंने हल्का बॉयल किया है, बॉयल नहीं किया है, गर्म पानी में सिर्फ इसको डाला है और 1 से 2 मिनट गर्म पानी में रखा है। आप भी इस तरह से रख सकते हैं। फिर लीड से कवर करके हम पालक को कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट बाद हमारी आलू और पालक की रेसिपी अब बिल्कुल कुक हो गई है, सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर इसकी प्लेटिंग मैं कर दूंगा दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप कितने बेहतर हमारे आलू और पालक की रेसिपी लग रही है दोस्तों। अब आप इसे गर्मा गर्म चपाती नान परांठा के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी कुकिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर